जो भी फीस उसकी रखेंगे वो क्या कहते हैं, अगर हम नहीं सिखा पाए काम और लगता है कि वो नहीं आता हमें, हमारे टीचर्स अच्छे नहीं है या किसी भी कारण से उन्हें लगता है, तो वो फीस रिफंडेबल होगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गैजेट नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लौटा हूँ करोल बाग गफ्फार मार्केट। जैसे कि हमने एक सेमिनार पिछली बार भी किया था बाबर टूल्स की तरफ से, और मैं दोबारा से आज करोल बाग आया हूँ क्योंकि उस वाली वीडियो पे मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई मेरे पास जिसमें कि काफ़ी भाई जो उसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे उनके लिए। तो आज मैं दोबारा करोल बाग आया हूँ, आपको तरुण जी से मिलाता हूँ और इसके आगे का क्या प्रोसेस होगा ये हमें तरुण जी हमें बताएंगे कि अगला सेमिनार होने वाला या नहीं होने वाला। हेलो सर। सर बढ़िया, आप बताइए। पहले तो मैं आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे आईफोन ट्रेनिंग में जो लोग आए थे उनको बहुत सारा फायदा हुआ और वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई है। अब उसी को लोगों का उत्साह को देखते हुए और लोगों के डिमांड को देखते हुए हम फिर दोबारा से आईफोन ट्रेनिंग लेके आए हैं हैदराबाद में। हैदराबाद, हाँ हैदराबाद हयात पैलेस होटल बंजारा हिल्स में 27 मई को सिर्फ 30 लोगों को दोबारा से हम ऑनलाइन चलेगा प्रोसेस, सब कुछ ऑनलाइन का जो लिंक दिया जाएगा वो वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल 6 बजे आएगा। कल तक हम सिर्फ लोग देखेंगे, कल 6 बजे जो लोग रजिस्टर्ड करेंगे 25-30 लोगों को दोबारा हम आईफोन ट्रेनिंग एक दिन के लिए फिर फ्री देंगे। वो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होगी, हयात होटल के अंदर होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे, एक फीस ली जाएगी वो भी रिफंडेबल, वो रिफंड कर दी जाएगी। सर जैसे कि आपने भी बताया हयात होटल में, आपने वही क्यों चुना, कम कहीं और भी जा सकते थे, वो किसकी डिमांड पे? वो इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि कुछ अच्छी जगह हो जहाँ पर माइक की दिक्कत ना आए, लास्ट टाइम माइक की दिक्कत ना हो, प्रोजेक्टर वगैरह अच्छा हो, जो लोग आए उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छे से वो सीख सकें, अच्छे से वो समझ सकें। हैं अब क्या था, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमारा पहला ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग था जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, जो जो हमने चीज़ें फेस करी उन सब चीज़ों को फेस प्रॉब्लम दोबारा ना आए, तो वो इसलिए हमने हयात होटल हैदराबाद में ही चुना बंजारा में। और हयात इसलिए हैदराबाद जा रहे कि वो साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज थी, साउथ इंडिया के लोग हमारे तक आ नहीं पाए थे, अब वो सारों को हम टच में ला पाए इसलिए वहाँ पर होगा। दोबारा जिनको काम आता होगा थोड़ा बहुत, जिनको कुछ काम करते हैं फ्रेशर के लिए नहीं है, जो काम कर रहे हैं यूट्यूब आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ काम कर रहे हैं कैसे ट्रेस करना है समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें हम बताई जाएगी। और इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है हमारे पास फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही जल्दी अपना आईफोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन कर रहे हैं, और उसकी खास बात हम जो भी फीस उसकी रखेंगे वो क्या कहते हैं, अगर हम नहीं सिखा पाए काम और लगता है कि वो नहीं आता हमें, हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं या किसी भी कारण से उन्हें लगता है, तो वो फीस रिफंडेबल होगी। फिर दोस्तों याद रखो, मैं कह रहा हूँ फीस रिफंड कर देंगे हम, अगर हमारे में कमी हुई हमने काम नहीं सिखाया तो हम वो फीस रिफंड करेंगे सर, रिफंड करेंगे अगर हम नहीं सिखा पाए, अगर उसको काम ही नहीं सीखना वो बात अलग है, अगर काम हमारे में कमी होगी तो हम रिफंड करेंगे जी। और फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने सुना अभी रिफंड के बारे में, एक जो क्वेरी हो रहा है मेरी, मैं आपकी वो भी क्लियर कर देता हूँ। सर एक चीज़ और बताएं, जैसे कि इसमें पॉसिबल है अभी अनाउंसमेंट करना कि उस टाइम हमारी फ़ीस कितनी रहेगी कितनी नहीं? सर एक्चुअली फ़ीस बहुत कम होगी मार्केट से, और दूसरी बात हमारे में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जून में स्टार्ट है ट्रेनिंग सर, जून में हाँ, अभी मेरे नियर अबाउट 20 जून के आसपास ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, दिल्ली के अंदर होगी, 30 से 35 लोगों के लिए होगी, और वो मेरिट बेस पे लिए जाएंगे। किस पे लेके जाएंगे? मेरिट बेस क्या होता है कि हमारा एक एग्ज़ाम के लिए हम पूछेंगे, कुछ हमारा फॉर्म्स हैं, किसको क्या काम आता है, किस लेवल पे खड़ा है, किस चीज़ क्या चीज़ नहीं आती, कहाँ पर खड़ा है। मान लो जो फ्रेशर होगा उसके लिए नहीं है, जो मतलब आईसी उतार लेता है जी, उसके बाद उसके हैंड स्किल्स नहीं है जी, समझ आ रहा है जी, उसको ट्रेसिंग करनी नहीं आती समझ आ रहा है, बट जो फ्रेशर होगा उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए छोटा सा इंटरव्यू होगा, और क्योंकि इंक्वायरीज और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो हम इतने लोगों को शायद ना भी दे पाए, तो मेरिट बेस पे इसलिए करेंगे, क्योंकि जब आप कॉलेज में देखते हैं मेरिट क्यों चलता है, 100 स्टूडेंट आए उनमें से 30 को लेते हैं जी, तो ऐसा ही मेरिट बेस पे होगा, 35-40 अराउंड के आसपास, फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स नियर अबाउट उतना, क्योंकि 100 इंक्वायरीज तो मेरे पास है और 100 को मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो इसलिए मैं उस पर मेरिट बेस पे देखूंगा। और सर ये पॉसिबल है कि हम बता सकते हैं कि वो हम कब जा रहे हैं वहाँ पर, कब इंस्टीट्यूट, मतलब 27 मई को हम जा रहे हैं हैदराबाद, 27 मई ट्रेनिंग, हाँ आईफोन ट्रेनिंग 27 मई हैदराबाद में है, हयात पैलेस होटल बंजारा हिल्स। ठीक है सर, फ्रेंड जल्दी से जल्द आप होशियार हो जाइए, कल शाम को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, आप उस पे जाके अपना एक अमाउंट, एक छोटी सी अमाउंट होगा वो रिफंडेबल होगा, वो इसलिए लिया जा रहा है, कुछ लोग रजिस्टर कर देंगे दिल्ली से बैठे हुए वो नहीं आएंगे जी, और जिसको जरूरत है वो रह जाएगा, वो रह जाएगा,
अगर वो नहीं आता और उसने रजिस्टर्ड करा है और 4000 रुपये उसको नहीं मिलेंगे, जो वहाँ पर आएगा अटेंड करेगा और वापस आएगा उसको पैसे रिफंड होंगे। फ्रेंड जैसे कि आपने सुना अभी, उस चीज़ पे फॉलो करना ज़रूर। हाँ, वहाँ पर 100% पहुँचना, नहीं तो आप बाद में कोई क्लेम नहीं करना कि मेरे 4000 रुपये वहाँ चले गए। 4000 रुपये सर, एक बंदा जिसको जरूरत है जी, जो चाहता है जी, वो रह जाएगा ना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है और हमने लिमिटेड सीट्स बुक करा रखी है वहाँ पर। ये तो होने का कि मैं बढ़ा दूँ, तो सर ये लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड सीट्स हैं और इसमें 4000 रुपीज़ ले रहे हैं, वो रिफंडेबल है, वो पैसे वापस मिलने ही मिलने हैं। ठीक है सर, पहले 3000 लिए थे जी, वो हम कर रहे थे, अब 4000 इसलिए ले रहे हैं कि हम ऐसी जगह कर रहे हैं वहाँ से पैसे हमारा भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी होगा, इसलिए वो आए इसलिए 4000 ले रहे हैं, तो उसके 4000 रुपये खत्म है, वो नहीं आया था, वो आएगा तो पैसे रिफंड किए जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। कोई कहता रिफंड नहीं करा या कोई भी, अब आपको कंप्लेंट कर सकता, नहीं तो आप अपनी जेब से पैसे देना। मैं आपको कहता कि सर लिए और 4000 रुपये नहीं दिए, तो समीर जी 4000 रुपये आप दे देना, मेरे से आके लेना, ये ऑर्डर आईडी थी और इसको था। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा, अब चलिए कल शाम 6 बजे ये इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना और ऑनलाइन उसको। और सर इस बारी बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और ट्रेनिंग में जो हम ट्रेनिंग देंगे ना, वो इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी इंडिया में लगता है कि जिसकी थ्योरी अच्छी है, क्या थ्योरी अच्छी है, सिस्टमेटिक अच्छी है, मैं चैलेंज करता हूँ ओपनली, कोई भी आए मैं उससे चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, वो चाइनीज़ में हो चाहे कहीं भी हो, आगे चैलेंज है। और हमारे टीचर्स को तेलुगु, इंग्लिश, मराठी और हिंदी, ये 4 लैंग्वेज आती हैं। कितनी सर? 4 लैंग्वेज, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी और हिंदी, 4 लैंग्वेज में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम तो किसी को आती नहीं है सर, 4 लैंग्वेज में ट्रेनिंग देंगे, और फिर भी चैलेंज करता हूँ। कोई मेरे टीचर्स के साथ कहता है कि उसको ये आता है जी, कंपटीशन कब होता है, जब हमारे साथ सामने आए, हाँ जी, बैठे और काम करके दिखाए, थ्योरी में आए, किसी भी चीज़ में आए। थ्योरी के अंदर तो चैलेंज है सर, कि जो हम पढ़ाएंगे वो कोई नहीं पढ़ा सकता, और इसलिए हम इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम पैसे वापस कर सकते हैं अगर हमने नहीं पढ़ाया था, और ये कोई नहीं कर सकता। ठीक है सर, और फीस भी हाफ रेट होगी, पूरी मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइस होगा हाफ ही होगा लगभग, या एक नॉमिनल होगा, क्योंकि 15 दिन ट्रेनिंग चल रही है। फ्रेंड जैसे कि आप सोच रहे होंगे हाफ कितना होगा, मैं आपको अराउंड बता देता हूँ, जैसे मार्केट में 1 लाख या 1.25 लाख रुपए फीस इसकी है आईफोन ट्रेनिंग की, आप ये मत सोच के चलना कि वो दूसरा 15000 रुपए ले रहा है तो और यहाँ आप 7000 रुपए में सीख लेंगे। हाँ, हाँ, प्रोफेशनल प्रोफेशनल सोच के चलना। चलो समीर जी, थैंक यू। ओके सर, बने रहो, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए।